तुमसे ये दिल हमारा। एक बात पूछता है तुमसे ये दिल हमारा, क्या साथ दे सकोगे तुम उम्र भर हमारा। आओ करीब आओ दिल से ये दिल मिला ले, कोई न देख पाए ऐसी जगह छुपा ले। ऐसे बनी तू मेरी जैसे राधा बनी श्याम की। ओढ़नी ये वो श्री ज्ञान सिंह यादव जी ससान पुरवा क्या ग्राय समझो कि ऐसे बनी तू मेरी जैसे राधा बनी श्याम की। ओढ़नी ओढ़नी पिया तेरे नाम, ओढ़नी ओढ़नी पिया तेरे नाम, जी शुक्ला जी सतर्क। 16 देशों में सुना जाएगा जवाब, 156 देशों में। ओह हवा महल से काम नहीं चलेगा। फिर एक गाना दे रहा है, भादों का महीना चल रहा है, गणेश जी और भगवान कन्हैया तुमको ऐसे बैठने नहीं देंगे हम। भगवान कन्हैया का जन्म हुआ कारागार के अंदर माता देवकी के गर्भ से, आठवीं संतान के रूप में द्वापर युग में। लेकिन एक खास चीज आपको बता रहा हूं कि आखिर माता देवकी के द्वारा कन्हैया का जन्म कितनी बार हुआ। ये बात समझो, केवल एक बार नहीं, एक बार नहीं, देवकी के गर्भ से 3 बार भगवान श्री हरि विष्णु कन्हैया के रूप में जन्म ले रहे हैं। पहला जन्म, चलो चलो पहला जन्म, खोलो गूगल। स्वयं मनवंतर में जब माता देवकी का पहला जन्म हुआ तब उनका नाम था प्रस और वसुदेव का नाम था सुतपा। तब वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। भगवान की तपस्या किया, क्या चाहते हो? हे प्रभु मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान विष्णु ढूंढते रहे, उनके जैसा कोई मिला ही नहीं। ओहो ट्यूशन जारी, नहीं मिला तो स्वयं प्रश्न और सुतपा के घर में आपका जन्म हुआ और तब आपका नाम हुआ प्रश्न गर्भ। भगवान का एक नाम है प्रश्न गर्भ, आखिर वो नाम कहां से मिला है? सोचो सोचो। और ये 5 ग्रह श्री ज्ञानेन्द्र चौरसिया जी, लक्ष्मी नारायण चौरसिया जी, जीवन चौरसिया जी, इंजीनियर साहब, सिंचाई विभाग कानपुर नगर। और क्या, परमात्मा आपको लंबी उम्र दे, जिससे हम कलाकारों का उत्साह वर्धन आपके द्वारा यूं ही होता रहे। और क्या, वहीं से गीत शुरू कर रहा हूं। अब देखिए, जब देवकी का नाम है प्रश्न तो उसके गर्भ से भगवान का जन्म हो रहा है और पहला नाम मिला क्या? कि देवकी की देवकी माँ बनी है देवकी,
देव की माँ बनी है देव की। अरे कंस की जो है भामिनी, कंस की जो है भामिनी अर्धांगिनी वसुदेव की। कंस की जो है भामिनी अर्धांगिनी वसुदेव की। देखिए देवकी का पहला जन्म जब प्रश्न के रूप में तो भगवान किस रूप में कि सुत पावा प्रश्न चाहे सुत से साई जैसा। सुत पावा प्रश्न चाहे सुत से साई जैसा। हरि हेरि हेरि हारे कोई मिला न वैसा। कोई मिला न वैसा। कोई मिला न वैसा। वर्ति गुना पालने को हरि लाल बन के आए। बन लालन अपना पालन पालन हारी करवाए। नाम क्या मिला कि प्रभु प्रश्न गर्भ कहलाए। प्रभु प्रश्न गर्भ कहलाए माया माया धर देव की। देव की देव की माँ बनी है देव। देव की माँ बनी है देव। पहला जन्म हुआ प्रश्न के गर्भ से तो नाम हुआ प्रश्न गर्भ। और जब वही प्रश्न और सुतपा का अगला जन्म हुआ प्रश्न बन गई आदित्य और सुतपा बने कश्यप। समझो कश्यप आदित्य के पुत्र बन वामन तन हरि हाजिर। देव का देव फिर देवों को दिलाने खातिर। देवों को दिलाने खातिर। देवों को दिलाने खातिर। कश्यप और आदित्य के द्वारा वही भगवान श्री हरि बामन के रूप में अवतरित हुए। तो वरदानी दान लेने बलिदानी के दर आए। सिर पर धर कर पद पावन पल में पाताल पठाए। पल में पाताल पठाए। तो पावन मन में मुस्काए। पावन मन में मुस्काए लीला लीला धर दे। पहले प्रश्न और फिर आदित्य। देव की माँ बनी है देव। देव की माँ बनी है देव। देव की माँ बनी है देव। अंतिम पंक्तियां जोड़ता हूं और जब वही प्रश्न आदित्य। अब देखिए वही आदित्य और कश्यप क्या बन रहे हैं। वही आदित्य और कश्यप वसुदेव और देवकी के रूप में। सोचो सोचो वसुदेव देवकी के रूप में। मेघों का घोर कर जन भावों में भय भयंकर।
जो है अरे जो हसर लालो का हुआ मन भूलता न मंजर मन भूलता न मंजर मन भूलता न मंजर। क्रांतिमाला जी पंक्तियों को सुनिएगा, ज्यादा उलझने उलझाने वाली बात नहीं दे रहा हूँ, खुला खुला गीत है कि भादों की कृष्ण पक्षी है रात आठवीं कृष्ण पक्षी की अष्टमी। आज कार्यक्रम हो रहा है, दरबार तो भगवान गणेश जी का है लेकिन आज राधा अष्टमी भी है। क्रांतिमाला जी गीत क्यों गा रहा हूं, राधा अष्टमी भी है, भादों के महीने में अगर कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान कन्हैया का जन्म हुआ तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधिका जी का जन्म हुआ। कि भादों की कृष्ण पक्षी है रात आठवीं अवतार आठवां है और संतान जैसे ही आपका प्राकट युवा कारागार के अंदर हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए तो पप्पा जी चित चकित है, पप्पा जी चित चकित है, महिमा है वासुदेव की, देव की देव की माँ बनी है छोटा सा। ये 51 ग्रहों का बहुमूल्य पुरस्कार महानगर कानपुर के बहुत ही बेहतरीन हारमोनियम वादक श्री अनिल पांडे जी, क्या बात। जो कुछ समय पहले तक क्रांतिमाला जी के विशेष सहयोगी रहे हैं। तमाम बातें आप लोगों ने सुनी है कि भगवान मोटी बुद्धि ना दे और क्या, मोटा शरीर दे मोटी बुद्धि ना दे, इसकी तो आंखें मोटी हैं। जो मर्जी आ रही सब श्रीमान जी, काम करना चाहिए आदमी को और क्या, चाहे कोई मोटा हो चाहे पतला हो। आइए अपने गाने का जवाब सुनो गुरु जी। गीत आया, आया। के ऐसी बनी दीवानी एक बात पूछता हूँ क्या दोगे जवाब मेरा, क्या क्या अरे क्या साथ दोगे तुम भी ये उम्र भर ये मेरा, आओ करीब आओ दिल से ये दिल मिला लो, दिल से ये दिल मिला के नजरों को ना चुरा, ऐसी बनी दीवानी ए ऐसी बनी दीवानी जैसे राधा बनी श्याम की, तो ओढ़नी ओढ़नी पिया तेरे नाम की, ओढ़नी ओढ़नी पिया तेरे नाम, ओढ़नी ओढ़नी पिया तेरे नाम की, तो ओढ़नी 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 ओढ़नी
ओढ़नी पिया तेरे शशि जी, ये जो गाना आपने रखा इससे मुझे लगा कि आप जवाबी कीर्तन के लिए जवाबी नहीं गा रहे हैं, केवल क्रांति माला के लिए गा रहे हैं। और क्या, डीजल 89 रुपए लीटर है। इतने बढ़िया बढ़िया गाने हैं आपके पास, आप पता नहीं इतिहास लेकर खड़े हो गए। इनके सतयुग में ये नाम था, प्रश्न था, फिर उनका ये नाम था, फिर ये ऐसे हुए, ये ऐसे पैदा हुए। आप बहस कर रहे हैं मुझसे, आप करें समानता, आपको समानता लानी चाहिए। आप जवाब चाहती तो दे देती। अच्छा, हमको क्या पता कि आपकी खोपड़ी में हमारी खोपड़ी है। अरे आप अलग सोच रहे हैं, हम अलग सोच रहे हैं। और क्या, जवाबी का मतलब आप समानता दिखा रहे हैं, मैं असमानता दिखा रही हूँ। और मैं फिर कह रही हूँ, भगवान गणेश अलग हैं और कन्हैया जी अलग हैं। और क्या, भगवान कन्हैया कारागार में जेल में पैदा हुए और गणेश जी माता के मैल से पैदा हुए। कैसे कैसे बोल देते हैं लोग, क्या समानता है? क्यों क्यों क्यों, हम जबरदस्ती का माठा बना रहे कि तुम बना रहे हो? बना तो नीचे वाला रहा। मैं फिर कह रही हूँ, इनको कैथा जामुन पसंद है, उनको माखन मिश्री पसंद है। उनकी 16,108 रानियां हैं और इनकी देख लीजिए, इतनी है क्या? सोचो सोचो जबरदस्ती सोचो। अरे वो बंशी बजा रही है, इतनी लंबी सूंड लिए हैं, क्यों एक जैसे हैं क्या? इनका इतना बड़ा पेट है, वो ऐसे सुंदर से हैं, कौन माठा बना रहा है देख लो। सुन लो, कैसे कैसे सोच लेते हैं लोग। केवल बुद्धि डिस्टर्ब है आपकी आज, बुद्धि है ही नहीं। चलिए, आपने गाया देवकी देवकी और इसमें बताया कन्हैया जी कहाँ कहाँ कैसे कैसे अवतार ले रहे हैं, तो मैं फिर इनकी तरफ चल रही हूँ। अगर आपको अलग अलग कृष्ण मिल रहे हैं तो मुझको गणेश जी कैसे मिल रहे हैं? देखें, सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ कि देवकी देवकी जय हो गणपति देवकी। के देवकी देवकी जय हो गणपति देवकी, तो प्रथम पूज्य कहलाते, के प्रथम पूज्य कहलाते मन सुरपति ये सुर देवकी। तो देवकी देवकी जय हो गणपति देवकी, देवकी जय हो गणपति देवकी, देवकी देवकी। अब देखिए मुझे गणेश जी कैसे मिले। कश्यप अदिति के तन को तन में तपा लिया है। कश्यप और अदिति सतयुग में हैं। आप युग भी जोड़ रहे हैं तो युग भी जोड़िए और अवतार भी देखिए। कश्यप और अदिति ने अपने तन को तपाया, तब हुआ क्या? क्या कश्यप अदिति के कश्यप अदिति ने तन को के तप में तपा लिया है, और प्रभु आदि देव गणपति के दोनों को वर दिया है, दोनों को वर दिया है, दोनों को वर दिया है। तब आदि देव और गणपति दोनों को वर दिया है। वर क्या दिया? जब श्वेत वर्ण लेकर धरती पे प्रभु जी आए, सतयुग में जब श्वेत वर्ण लेकर धरती पे प्रभु आए, देवान तक नारायण तक को जग से प्रभु मिटाए, जग से प्रभु मिटाए, जग से प्रभु मिटाए। अब यहाँ भगवान गणेश का जो अवतार है, इनके माता पिता हैं कश्यप और अदिति, इनका रंग है सफेद,
इनका रूप अलग है, इनकी भुजाएं अलग हैं। तो यहाँ देवांतक नारांतक को मारने के लिए आए। तो सुखदेव के सुखदेव की सुखदेव की सुखदेव सुखदेव की और बन गई महिमा महीदेव की। तो देव की देव की जय हो गणपति देव। देव की देव की जय हो गणपति देव की। देव की देव की जय हो गणपति देव की। एक पंक्ति और देखिए शशि जी, हमने कहा कि माटी का गणेश बनाइए, माटी के गणेश बनाकर पूजा करिए तो मनोकामना पूर्ण होती है। आप कहेंगे कि आपने माटी के गणेश बना दिए, अरे वो तो माँ के मैल से बने। शशि जी, मैं माँ के मैल वाले गणेश की बात नहीं कर रही हूँ। गणेश महोत्सव में जहाँ जहाँ मूर्ति रखी जाती है वहाँ माटी की मूर्ति रखी जाती है, जिसका लोग विसर्जन करने जाते हैं। और क्या, ये आपकी बुद्धि के परे है। क्या गुरुजी, तुम तो कानपुर में रहते हो, सब कुछ जानते हो। गुरुजी क्या कर रहे हो? दूसरी जगह देखिए, माँ उमा के गर्भ से त्रेता में जन्म पाया। ये क्या कर रहे हो भाई? अरे ढोलक ये बजा रहा है, कपड़ा ये उतार रहा है। ये चैनल चल रहा भाई मेरे, इधर बैठो, ऐसे घूम के बैठो, कीर्तन इधर हो रहा है तुम उधर बैठो। आजकल युवा पीढ़ी की यही समस्या है, हर काम उल्टा कर रहे हो, टोपी भी उल्टी लगाए हो। और क्या, उल्टा बैठे भी, वो पैदा तो उल्टा नहीं हुए। ये तो अंदर की बात है बेटे, सीधे बैठो बेटा। के माँ उमा के गर्भ से त्रेता में जन्म पाया और गिरजा जी माँ बनी तो है गुणेश नाम पाया। ध्यान से सुनिएगा, गणेश नहीं गुणेश नाम इनका मिलता है। और बन के गणेश द्वापर में वाहन है चूहा पाया, तो सिंदूरासुर को जग में आके प्रभु ने मिटाया। प्रभु ने मिटाया, चारों युग लिए ले रही हूँ गणेश भगवान चारों युगों में। और देखिए गिरजा के पुत्र गणेश द्वापर में, फिर यही गणेश और सिंदूरासुर को मार रहे हैं, सिंदूर चढ़ता है, अलग अलग भुजाएं हैं, अलग अलग वाहन हैं इनके। तो बात बहुत सारी है लेकिन गागर में सागर भर रही हूँ। तो है धूम्रवर्ण कलयुग में, अभी कलयुग में इनका एक अवतार बाकी है और पुस्तकों में लिखा है कि ये धूम्रवर्ण यानी धुएं का रूप लेकर आएंगे। तो है धूम्रवर्ण कलयुग में, है धूम्रवर्ण कलयुग में पूजित है विप्रदेव की। तो देव की जय हो गणपति देव। देव की देव की जय हो गणपति देव की। देव की देव की